आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, पर उन्हें उस बात की बिल्कुल कदर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर मैथिली सावंत। मैं आपकी रिलेशनशिप कोच हूँ और आपकी फ्रेंड हूँ। इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे पास कई मेरे क्लाइंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि इतना कुछ मैंने मेरी फैमिली के लिए किया, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बीवी के लिए किया, पर उनको इस बात की कदर ही नहीं है। मैं रोज़ इतना ऑफिस जाता हूँ, इतना पैसे कमाने के लिए इतना मेहनत करता हूँ, पर उनको कुछ कदर ही नहीं है। फिर जो लेडीज़ लोग मेरे क्लाइंट्स हैं वो बोलते हैं कि इतना मैं मेरे घर के लिए, इतना सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ घर में, बच्चों के लिए करती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए करती हूँ, उनको कुछ कदर नहीं। तो ऐसा क्यों होता होगा? तो पहले हम लोगों को ये सोचना है, क्या हम लोग वो सच में उनके लिए कर रहे हैं? तो बार बार हम लोग उनको जताते हैं ना कि ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपको कुछ कदर नहीं है। तो उनको क्या लगता है, इनकी नाखुशी की वजह हम लोग हैं। कई बार मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी बोलते सुना है कि मेरे घर के लिए मैंने जॉब तक छोड़ दिया, मुझे बहुत प्रमोशन मिल रहा था वो भी छोड़ दिया, बच्चों के लिए किया, ऐसे वो बोल देते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है और अपने हस्बैंड को आपके लगता है कि इनको कुछ कुछ सहना पड़ा जीवन में, उसका कारण हम लोग हैं। तो आपको आपकी वोकैबुलरी को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जो भी चीज़ हम लोग अपनी व्यक्तिगत जीवन में करते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी जब दूसरे के ऊपर डाल देते हैं ना, तो दूसरा उसको लेने के लिए रेडी नहीं है। वो बोलता है कि ये तो आपने खुद के लिए किया है, क्या आपको नहीं लगता कि आपका जीवन अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें और उनको स्पेशल अटेंशन मिले, इसीलिए आपने निर्णय लिया है। तो वो आपको बहुत ध्यान से सोचना है, अपने आप के माइंड को आप क्या फीड कर रहे हैं। अगर फीडिंग ऐसी हो रही ना कि इनकी वजह से हुआ, तो सामने वाले को वो आपकी वाइब्रेशन पहुँच रही है, आपका बोलचाल और आपका करना ना फिर व्यर्थ हो जाएगा। मतलब उनके पास आपका जो भी आपने किया है ना, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने करते वक्त हमेशा उनको बार 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 टोका है। तो जस्ट आज एक काम कीजिएगा, जो भी आपने जिंदगी में किया है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, वो करते वक्त आपने खुद के मन को क्या बोला है, उसका आप वापस से उसको सवाल पूछिएगा, मैंने खुद के मन को क्या बोला था। नहीं तो फिर जिंदगी भर हम लोग ऐसी विक्टिम की जिंदगी जीते रहेंगे और हम लोगों को उस चीज़ को लगता रहेगा, मैंने ये चीज़ की इनके लिए, तो मन रोज़ दुखी होता रहेगा। तो आपको मन को सही से फीडिंग करनी है। तो आइए आज थोड़ा टाइम अपने लिए निकालते हैं और जो मन को फीडिंग की गई है ना, उसे सुधारते हैं। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।